हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने ऑनलाइन कुछ सीड्स मंगवाए हैं उसके बारे में आज आपको बताऊँगी। मैंने सोचा कि मैंने सीड्स तो मंगवाए हैं ग्रो करने के लिए, बट इनको यूज़ करने से पहले मैं एक वीडियो बना दूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि ऑनलाइन जो सीड्स हैं वो कहाँ से आप अच्छी क्वालिटी के मंगा सकते हो। तो इस पर सीरीज़ ऑफ मेरी वीडियोज़ आएंगी फ्रेंड्स, तो उसमें से एक वीडियो ये है। इसमें फ्रेंड्स मैंने बायोकाव से सीड्स मंगवाए हैं। ये है बायोकाव.com। आपने मेरी एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने टॉप वेबसाइट्स बताई हैं जहाँ से आप ऑनलाइन सीड्स मंगा सकते हो। उसमें आई थिंक सेकंड नंबर पे जो वेबसाइट है वहाँ से ये मैंने सीड्स मंगवाए हैं। बायोकाव.com है और ये पटियाला बेस्ड की कंपनी है और ये सीड्स हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये मैंने चेरी टोमेटो मंगाया है बायोकाव से। फ्रेंड्स, इसके रेट जो हैं वो यहाँ मेंशन है 40 रुपीज़ का है, ये देखो। बाकी आप इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, थोड़ा टाइम टू टाइम जो हैं रेट्स वेरी कर सकते हैं। तो ये मैंने मंगवाया था और ये इसकी सारी डेट ऑफ पैकिंग और एक्सपायरी डेट सब कुछ मेंशन है, कितना वेट है और कब जो है किस प्लांट की जो हाइट कितनी रहेगी, किस टेम्परेचर में आप उसको ग्रो करें और कितनी दूरी पर करें, ये सब इसमें मैंशन है। तो फ्रेंड्स, इनके जो सीड्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो पिछली बार भी मैंने मंगवाए थे और वो अच्छे ग्रो किए, तो मैंने इस बार दोबारा से मंगवाए हैं बायोकाव सीड्स। उसके बाद फ्रेंड्स ये है कोलियस, ये देखिए कोलियस रेनबो मिक्स्ड। ये भी फ्रेंड्स मैं टेस्ट कर चुकी हूँ और जो ये कलर्स हैं यही कलर्स के प्लांट मेरे निकले हैं। मतलब मैं कुछ गलत नहीं कहूँगी, ये मैंने नॉर्मल वेराइटी मंगाई है। ये देखिए 50 रुपीज़ का ये पैक है। इसमें हाइब्रिड वेराइटी भी थी, वो महंगी थी, शायद 150 की थी, बट मुझे अभी याद नहीं जैसे मतलब प्राइस एग्जैक्ट क्या है, बट ये 50 वाली है। तो इसमें जो कलर मेंशन है यही कलर्स निकले हैं। मैंने शायद मेरी किसी वीडियो में आपने देखा भी होगा, ग्रीन कलर और ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये सब प्लांट्स निकले हैं। और फ्रेंड्स कई निकले थे, उसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि ये प्लांट बहुत डेलिकेट होता है और जैसे ही मैंने ख़रीदा था मैंने उसी टाइम सीज़न नहीं देखा और उसको फटाफट ग्रो कर दिया था। तो जर्मिनेट जो है वो 90% कहूँगी मैं, 90 से 99 भी कहूँ, 95 भी कह सकती हूँ, इतने जो हैं ये सीड जर्मिनेट कर गए थे। बट उसके बाद जो है प्लांट जो है थोड़ा कभी पानी जो है आप देखते हैं ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैंने छोटे पॉट में सीड्स एक ही पॉट में डाल दिए थे, तो उसमें पानी देना एक दो बार मैं भूल गई, तो उसके सीड्स जो हैं थोड़े वो सैपलिंग्स जो हैं वो ड्राई हो गए। तो जो हेल्दी प्लांट थे वो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका भी मेरा रिव्यू बहुत अच्छा था, यही मैंने पहले ट्राई किया था, तो उसी बेसिस पे फिर मैंने और सीड्स मंगवाए हैं। ये है फ्रेंड्स सर्दियों का एक फ्लावर की वेराइटी है, एक्रोक्लिनियम कुछ करके है। ये पेपर जैसा फ्लावर होता है, हमने देखा होगा कभी, तो ये भी मैंने मंगाया है, मुझे अच्छा लगा था। पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, इसको भी मैं ग्रो करूँगी, फिर आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ये सब कुछ मेंशन है, देखिए इसमें मिनिमम 80% जर्मिनेशन रेट, नंबर ऑफ़ सीड्स देखिए 100 हैं और 10 ग्राम की पैकिंग है और ये प्लांट के बारे में सारा बताया है, किस टेम्परेचर में ग्रो करें, कितनी हाइट जाएगी इसकी, ये सब कुछ इसमें मेंशन है। तो ये जो है इनकी, ये देखो वेबसाइट आप देख पा रहे होगे बायोकाव.com, और फेसबुक पे भी है इनका पेज, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। और ये मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, कस्टमर केयर नंबर भी है, तो इनको रीच करना भी बहुत इजी है फ्रेंड्स। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो इनको अगर कुछ आपकी है तो, ये बहुत हेल्पफुल हैं, अगर कोई क्वेरी हो तो ये फटाफट क्लियर करते हैं। तो ये फ्लावर हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने मंगाया है असाइलम, ये देखिए असाइलम भी बहुत अच्छा रहता है, लो मेंटेनेंस प्लांट है और पूरे पॉट को कवर कर देता है, तो ये सीड भी मैंने मंगाया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने ये क्रिसेंथेमम पालू रोसम वाइट, ये वैरायटी भी मंगाई है, तो ये भी मैं इस बार ग्रो करूँगी, ये भी बायोकाव के सीड्स हैं। इसका भी आप देख लीजिए 50 रुपीज़ प्राइस है और डेट ऑफ पैकेजिंग वो और एक्सपायरी डेट देख लीजिए और ये सब इसका मेंशन किया हुआ है। तो
तो ये सीड्स मैं ग्रो करूँगी और अपना रिज़ल्ट आपको अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में दिखाती रहूँगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का जो आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए, तो उसमें आपको रिज़ल्ट भी दिख जाएगा। मैं टाइम टू टाइम दिखाती रहूँगी कि जर्मिनेशन हो गया तो उसमें क्या रिज़ल्ट निकला, उसके बाद जब प्लांट बड़ा हो जाएगा तो कितने परसेंटेज प्लांट जो हैं वो ग्रो हुए हैं, कितनों ने फ्लावरिंग करी है, वो सब मैं आपको मेंशन करूँगी आने वाली वीडियोज़ में। और फ्रेंड्स, मेरा आपको सजेशन है कि जैसे सीड्स हैं वो आप बचा के मत रखिए, ये जब पैकेट खोल लिया, जैसे आप देख रहे हो मार्च 21 तक इसकी एक्सपायरी डेट है, तो इसके बाद अगर आप यूज़ करोगे तो 50% से भी कम जर्मिनेशन रेट रह जाता है। तो कोशिश करो कि उसी सीज़न में वो सीड यूज़ कर लो। हाँ, ये कर सकते हो आप कि थोड़े थोड़े टाइम बाद, जैसे थोड़े सीड अभी लगा दिए, फिर 15 दिन बाद थोड़े से सीड लगा दिए इसी पैकेट में से, तो ऐसा आप कर लीजिए ताकि उसका जो फ्लावरिंग टाइम है वो अलग हो जाए। या आप एक साथ भी डाल सकते हैं ताकि अगर आपका बड़ा गार्डन है तो एक साथ सारा ब्लूम करे। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे बायोकाव से ऑनलाइन सीड्स जो मैंने मंगाए हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और सीड्स जहाँ से मैं मंगाऊँगी वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।